कटिहार से ताकी रजा की रिपोर्ट। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्या का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें 6 वर्ग की छात्रा गौरी कुमारी ने सहायक शिक्षक उदय कुमार झा पर छेड़खानी तथा रेप करने का प्रयास का आरोप लगाया है। छात्रा के अभिभावक तथा ग्रामीणों ने विद्यालय में हंगामा मचाया तथा प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षकों को बंधक बनाकर जमकर पिटाई भी की। ग्रामीणों ने मथुरा कोलासी सड़क को तकरीबन 3 घंटे तक आगजनी कर आवागमन को बाधित रखा। कोढ़ा थाना पुलिस ने सूचना पाने के 3 घंटे के पश्चात घटना स्थल पर पहुंचे। मेरे बच्चे के साथ हुआ कि मास्टर साहब बोले कि गौरी चलो ऊपर तनी झाड़ू लगा दे, झाड़ू पानी लगा हुआ है, तो वहाँ झाड़ू लगाने के लिए गौरी चले गए। कौन मास्टर बोला? उदित नारायण झा। अब बस झाड़ू जब लगाने लगी तो उसके बाद बोला क्या कि गौरी तनी इधर लगा दे, इधर लगाने के बाद जो है कि उसको पकड़ धकड़ कर लिया। गलत करने का प्रयास किया? हाँ, गलत नहीं किया लेकिन गलत किया। तो वहाँ से भाग के गौरी आए मास्टरनी के पास। मास्टरनी और क्लास का लड़का था, लड़की सबको बोली तो वहाँ से लेके आए हेड मास्टर के पास। हेड मास्टर ने बताया ठीक है गौरी तुम शांत रहो और ये हल हम कर देंगे। किसी को बताना नहीं? हाँ, किसी को बताना नहीं। ऐसा हेड मास्टर का? हाँ, किसी को बताना नहीं? बताना नहीं। तो बच्चिया डर के मारे ने बताया किसी को। जब यहाँ से छुट्टी के बाद घर गए तो हम आए वहाँ से सुन के दौड़ के स्कूल में, तो कोई नहीं मिला। तब तक मैं स्कूल बंद। कितने क्लास में पढ़ती थी आपकी बच्चिया? 6 क्लास। उम्र कितना है? उम्र 11 से 12 से। अब क्या चाहते हैं आप लोगों की, क्या मांग है? मांगे क्या आप लोगों की? मांग वही है कि जो गलत किया है उसको जेल जाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र महल है। कहाँ के रहने वाले? मथुरा के। ये कौन सा स्कूल का मामला है? मथुरा उत्क्रमित कन्या मथुरा। मथुरा स्कूल का मामला है? मथुरा स्कूल का। क्यों हमारा वाला स्कूल में? ये मामला ऐसा है, हमारे मास्टर जो है स्कूल का जो है छेड़खानी करता है बच्चे के साथ में, गलत व्यवहार करता है। वो जो है हमारे मास्टर जितने भी है यहाँ का, वो जो है कि बहुत ज्यादा मोनोपोली बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हम लोग बर्दाश्त करते करते आज जो है इस मामले में उतरे हैं कि आज मास्टर जो है यहाँ का किसी विरोध का हम लोग उतर सकते हैं, यहाँ तक उतर सकते हैं कि मारपीट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे समाज चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का मास्टर जितने भी है सब बदली हो जाए। हम लोग मास्टर से। कौन सा स्कूल का मामला है? ये हमारा मथुरा पंचायत का स्कूल का मामला है। स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम विद्यालय मथुरा मध्य विद्यालय। मथुरा मध्य विद्यालय। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अलाउद्दीन नाम हुआ। कहाँ का हुआ? मथुरा। क्यों आए हुए इकट्ठे हुए आप लोग विद्यालय में, क्यों आए हुए, क्या कारण? इस स्कूल का मामला ये हुआ है कि मास्टर उदित नारायण झा जो यहाँ के टीचर हैं, एक 12 वर्ष की लड़की के साथ छेड़खानी किया। कौन है लड़की का, क्या नाम है? लड़की का नाम है गौरी कुमारी। कितने क्लास में पढ़ती है? 6 क्लास में पढ़ती है। उनका पिता का क्या नाम है? उपेंद्र महलदार। अच्छा, कौन सा विद्यालय है ये? कौन सा विद्यालय है? उत्कर्मी कन्या मध्य विद्यालय मथुरा। उत्कर्मी कन्या मथुरा। प्रखंड? प्रखंड कौन सा? कोढ़ा। कोढ़ा। क्या चाहते हैं आप लोगों की, क्या मांगे हैं? मांग है कि उस मास्टर को जेल जाना चाहिए जिसने ऐसा कर्म किया है, उसकी जेल होना बहुत। क्या नाम है आपका? उदित नारायण झा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद महाराज। कहाँ के रहने वाले? मथुरा के रहने वाले। छेड़खानी का मैटर है सर, मथुरा का। क्या हुआ था, कैसे पता चला?
हम लोग को हुआ हंगामा हुआ तो हम लोग आए, तो क्या मैटर है, तो ऐसा सा टीचर जो है उदित नारायण झा जो है बच्ची के साथ छेड़खानी किया और प्राइवेट अंग को छुआ गया, हरकत किया गया। इससे पहले और दो तीन बार हो चुका है जो कि समाज में बैठ के और हो चुका है, यह घटना बराबर स्कूल में होते जा रहा। और हेडमास्टर को जब बोला गया तो हेडमास्टर बात को दाबा दिया गया, स्टूडेंट को दाब के बैठा दिया गया। उसके बाद ये लेटर है, हेडमास्टर का कहना है कि वो छुट्टी लेके गया है, ये हेडमास्टर का हैंडराइटिंग है, उस टीचर का हैंडराइटिंग से मिलाया जा रहा है, नहीं मिल रहा है, पूरा समझा साझी था हेडमास्टर का और टीचर का, इससे सख्त सख्त कार्रवाई प्रशासन से यही चाहते हैं, सख्त कार्रवाई हो। आप लोग जिला प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? मांग जा रहे हैं कि हेडमास्टर का तबादला हो और जो घटना किया उस पर सख्त सख्त कार्रवाई हो। मेरा नाम मिन्हाज खान, गौरी कुमारी से बोल रहा था, हमारे शिक्षक उदित नारायण झा उसके साथ कुछ काम करते थे, हम ये अच्छा बेटा उसको हम बात करते इस बीच में उदित नारायण झा इसको छोड़ के भाग गए। आप उसको बाहर निकालना चाहिए, क्या लगता है क्या कार्रवाई होना चाहिए? ऐसे आदमी को सबसे पहले डिस्चार्ज कर देना चाहिए। शिक्षक जैसे पेशे में सबसे पहला चीज चरित्र है, जिसके पास चरित्र नहीं है वो इस जॉब में नहीं आते, यदि आए हैं चरित्रहीन है तो उनको इस विभाग से निकाल दे। कल जो गौरी के साथ जो भी घटना हुआ वो जो है वो मास्टर उदित झा के द्वारा इनके साथ जो गलत व्यवहार किया गया, और ये गौरी तुमको आके क्या बताई कल? जोर से बोलो। बोलता है क्या गौरी कुमारी सर जी ने मेरा छेड़छाड़ किया है। अच्छा उदित मास्टर, अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ? बोले कि जाओ यार सर जी को कहना सब बात। अच्छा तुम्हारा क्या नाम हुआ? के क्लास में पढ़ते क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या मामला है? मेरा नाम क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हमने यहाँ पर लिख रहे थे परीक्षा का क्लास में। हाँ, अच्छा क्लास में खुद लिख रहे था ना, वो झाड़ू लेके बोला क्या यहाँ आओ तुम झाड़ू लगाना। हम कौन बोलाया? उदित सर। अच्छा उदित सर बुलाया, हम झाड़ू लगा लिए और फिर कोना में पानी था वो भी लगा लिए। अच्छा। और वहाँ पर हमको नहीं बाथरूम का तरफ ले लिया, लेके चला गया बाथरूम की तरफ। ले चल गया ना, मेरा छाती छूने लगा। अच्छा छाती छूने लगा। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम यहाँ पर फिर झाड़ू लगाने, फिर बोला क्या और एक बार आओ ना भाग गए। तो हम भागे क्लास में ही बुधो कुमारी को बोले तो वहाँ से हेड सर आया, हेड सर को बोले तब चार करो में बोला क्या 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 हुआ था। हम हेड सर को बोला उधर झाड़ू लगाने गए उसकी सर हमको यहाँ छेड़खानी कर दिया, इसलिए बोला तुम चुपचाप बैठो हम उसको समझाते हैं। तुम जब हेड मास्टर को बोलने गई तो हेड मास्टर क्या बोला उस टाइम में तुमको? हेड मास्टर कहाँ था उस समय जब बोलने गई थी? हेड मास्टर कहाँ था? तुम्हारे क्लास में था हेड मास्टर? हाँ तब बोले तो वहाँ सिर से बोला कि सर मेरा इज्जत उठाई, तब बोला कि तब पिछड़ कर तब चार क्लास वहाँ ले गया, बोला क्या क्या हुआ था। हमसे सर हम गए वहाँ पर झाड़ू लेके कोना में लगाए ना, उसके बाद बाथरूम में हमको नहीं छेड़खानी करने लगा। तुम चुपचाप रहो अभी, हेडमास्टर क्या बोले तुम चुपचाप रहो, बोल के कि तुम बैठो अभी हम उसको समझाते। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, हम तुम यहाँ जो क्लास में आई तो अपने कौन सा दोस्त को बताई ये मामला? क्या नाम है उसका? बुधो कुमारी। के क्लास में पढ़ती हो बाबू तुम? तुम के क्लास में पढ़ती हो? पिता का क्या नाम है? उम्र कितना होता है तुम्हारा? 10 साल। ये कौन सा विद्यालय है, स्कूल का क्या नाम है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय मधुरा कन्या प्रखंड गोरा। हेडमास्टर का क्या नाम है? श्री रमा। अच्छा बोलो घबरा के नहीं जी, क्यों भीड़ लगाए हुए आप लोग यहाँ स्कूल में? जैसे हम लोग घर में थे तो बच्ची को पढ़ने भी आती नहीं है, तो पता चला कि यहाँ का जो मास्टर बच्ची के साथ छेड़खानी किया। जैसे सुने हम लोग पूरा गाँव समाज मिल करके आए, तो मामला तैयार यहाँ आए तो पता चला कि बिल्कुल सत्य घटना है, जो मास्टर छेड़खानी किया वो आया नहीं है।
क्या नाम है वो मास्टर का? पूछ रहा है उदित नारायण। अच्छा, किन किन लड़की के साथ मैं ऐसा उपेंद्र उपेंद्र मालदार, लड़की का नाम है गौरी कुमारी। क्या क्लास में पढ़ती है? क्लास में पढ़ती है। उम्र क्या होगी लड़की? 12 साल। 12 साल। अच्छा, आए दिन इस तरह का घटना हमारे स्कूल में बराबर होते रहता है। अच्छा, और इन पर जो है कि न प्रशासन और कोई आदमी देखभाल करने वाला है। क्या मांगे हैं आप लोगों की जिला प्रशासन से? क्या मांगे यहाँ बस स्कूल में हम लोगों का बच्चा विश्वास में आते हैं पढ़ने के लिए, किसी तरह का कोई अनहोनी न हो। स्कूल शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, और इस मंदिर में ही अगर इस तरह की घटना घटे तो फिर बच्चे, गरीब के बच्चे कहाँ जाए पढ़ने? ये एक सवाल पैदा होता है। बिहार सरकार इस पे अविलंब जाँच करवाए। ऐसे भी सभी टीचर यहाँ के जितने हैं सब इतना पुराना हो गया कि लगता है कि अपना घर समझ गए, किसी से न कोई डर न भय, एकदम बिंदास काम करते हैं। कहीं पर जो मन में आता वही करता है। क्या चाहते हैं आप लोग? शिक्षकों की यहाँ से ट्रांसफर हो, नया नया शिक्षक आवे ताकि भाव न खाए। कौन कौन शिक्षक बहुत काफी समय से लंबे समय से है? कौन 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 शिक्षक है लंबे समय से यहाँ? सबसे पहले पटना जहाँ तक जो है रामानंद मास्टर हमारा, वो एकदम पैर जमा लिए, इतना की अब पढ़ नहीं सकता। रंजन जी है, कालू है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार ठाकुर। कौन सा विद्यालय है ये? उत्क्रमित मध्य विद्यालय मधुरा प्रखंड। प्रखंड पूरा